वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं जितेंद्र कुमार, आप सभी का अपने हिस्ट्री कोचिंग सेंटर्स बाय जितेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस ट्रांसलेट करते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इससे पहले मैंने टेंस के कई वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड किया है। आप हमारे वीडियो के लिंक में जा करके अलग अलग वीडियो की लिंक को ओपन करके आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से टेंस के बारे में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, यानी जिसको हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। यानी दोस्तों, इसमें कोई भी जो कार्य होता है वो बीते हुए समय में ही समाप्त हो चुका होता है, तो उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो जैसा कि आप इस गाइड के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिफिनेशन में आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि इस टेंस में कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें जो वर्क होता है वो पास्ट टाइम में ही कंप्लीट हो चुका होता है, यानी बीते हुए समय में ही पूरा हो चुका होता है। तो ये इस टेंस की डिफिनेशन है। अब हम पहचान देखते हैं कि इस टेंस को हम किस तरीके से पहचानेंगे, यहाँ ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थी आदि शब्द आते हैं। जब भी कोई वर्ब हो, वाक्य हो, उस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द अगर आपको मिल जाते हैं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों, ये हो गया डिफिनेशन और पहचान। चलिए हम आपको दिखाते हैं रूल कि इसमें कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा। जैसा कि आप रूल देख रहे हैं, इसमें ही, सी, इट, नेम, आई, यानी जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है हमारा, ही, सी, इट, आई, नेम के साथ दे, यू, वी दोनों, यानी दे, यू, वी प्यूरल नंबर, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड अ प्यूरल नंबर सब्जेक्ट, दोनों के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो चाहे हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा या प्यूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं नोट पॉइंट, आप देख रहे हैं एक नोट पॉइंट यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। नोट पॉइंट में आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को दो भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस जब ट्रांसलेट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी साधारण अपूर्ण भूतकाल, ये सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकेंड है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, नी मिश्रण पूर्ण भूतकाल। सिंपल मिस होता है दोस्तों सामान्य या साधारण, और कॉम्प्लेक्स मिस होता है मिश्रित। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट दिखाता हूँ सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंपल सेंटेंस, फर्स्ट वाला आपको बता रहा हूँ कि जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का जो हम देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य कह सकते हैं, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य।
तो देखिए, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग और हैड, क्योंकि हमने आपको बताया चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, दोनों के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर सब यानी सब्जेक्ट रहेगा जो काम कर रहा है, हेल्पिंग ऑफ हेड का यूज किया जाएगा, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर। तो चलिए अब हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि आप ट्रांसलेट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। अब सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे स्टेशन पर पहुंचना है, तो स्टेशन पर पहुंचने का जो वर्क है वो ट्रेन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेन। अब हमने बताया कि दोनों सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल नंबर, दोनों के साथ हम हैड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, काम हो रहा है यहाँ पे पहुंचना, तो रीच मतलब पहुंचना होता है, और रीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है रीच्ड, आर ई ए सी एच ई डी, रीच्ड। कहाँ पे पहुंच रहा है, ऑन द स्टेशन, यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन द स्टेशन। तो दोस्तों ये हमारा क्या अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल। अब आप दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है तुम अपनी किताब पढ़ चुकी थी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी से ही मैच कर रहा। तो दूसरा एग्जांपल है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, देखने सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है तुम, तो तुम के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यू हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, यू हैड। अब जो काम यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, वो पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है रीड, रेड, रीड। तो यहाँ पे रीड की इंग्लिश रीड ही रहेगी, आर ई ए डी, यू हैड रीड। क्या पढ़ रहा है, अपनी किताब पढ़ रहा है। तो दोस्तों जब भी यू होता है तो यू के साथ हम अपने के लिए योर का यूज करते हैं, रीड योर, तो ये हो गया दोस्तों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को सेम हम अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही ट्रांसलेट करते हैं, बट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देते हैं, क्योंकि हिंदी वाक्यों के अंत में नहीं शब्द आ जाता है या इंग्लिश वाक्यों के अंत में नहीं शब्द आ जाता है, तो हम हैड के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। बाकी सेम जो होता है हम अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ हैड, नॉट का यूज किया जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में नहीं शब्द मिल गया है, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, हो गया स्ट्रक्चर्स। अब हम स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल जो लिखा गया है, राधा चाय नहीं पी चुकी थी, तो सेम अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही है, बस इसमें एक वर्ड बढ़ गया है, नहीं शब्द आ गया है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया, नकारात्मक वाक्य बन गया है। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम हो रहा है, और कौन काम कर रहा है, राधा काम कर रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे राधा, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, हैड नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज कर देंगे। स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, नॉट हो गया, वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखना है। काम क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे पीने का काम हो रहा है, पर हम उसे वर्ब लिखने से पहले देखेंगे कि क्या पिया जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे चाय पिया जा रहा है, और हम चाय पीने के लिए कभी भी ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं, तो चाय पीने के लिए हमेशा हम टेक या हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टेक का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो टेकन हो जाएगा, टेकन टी। तो दोस्तों ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, राधा हैड नॉट टेकन टी। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल है
बड़ई एक सुंदर मेज नहीं बना चुका था। बड़ई मतलब लोहार जो लकड़ी उकड़ी के सामान बनाता है वो, इसको हम बड़ई कहते हैं। बड़ई एक सुंदर मेज नहीं बना चुका था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है वो हमारा बड़ई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कारपेंटर। कारपेंटर मीन्स होता बड़ई। कारपेंटर हैड नॉट, कारपेंटर हैड नॉट, यहाँ पे बनाने की जो इंग्लिश तो मेक, मेक मीन्स बनाना, और मेक का जो थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे मेक्ड, मेक्ड अ ब्यूटीफुल टेबल। कारपेंटर हैड नॉट मेड अ ब्यूटीफुल टेबल। ब्यूटीफुल मीन्स होता है दोस्तों सुंदर होता है, और टेबल मीन्स मेज होता है। यानी ये हो गया, बड़ई एक सुंदर मेज नहीं बना चुका था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं आगे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सबसे पहले यूज किया जाता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट फर्स्ट में यूज करते हैं। और जब भी जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अब कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं हम आपको ये बता देते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितने, ये सारे क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में यूज किए जाते हैं तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट सेकंड में यूज करते हैं। अब पार्ट फर्स्ट का रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य के सबसे पहले प्रयोग किया जाता है तो हम अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। तो आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले यूज किया गया है सब्जेक्ट, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम हैड का प्रयोग करते हैं। हैड हो गया, सब्जेक्ट नॉट, अगर नॉट रहेगा तो यूज करेंगे, और नॉट रहेगा नहीं रहेगा तो नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हो गया, ऑब्जेक्ट अदर, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स हमारा हिंदी का सेंटेंस में या इंग्लिश के सेंटेंस में दोनों में यूज किया जा सकता है, यूज किया जाएगा, ये बहुत ही कंपलसरी है। तो चलिए अब हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, क्या हम बगीचे में फूल तोड़ चुके थे। तो आप देखिए जो क्या वर्ड है या फिर क्यों वर्ड है यहाँ पे जो लिखा गया एग्जांपल में, क्या वर्ड हमारा जो है हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वर्ड है ये हमारा, तो वो भी वाक्य के सबसे पहले यूज किया गया है। तो सबसे पहले हमको यूज करना है हैड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है यहाँ पे कौन कर रहा है, हम, तो हम के लिए यहाँ पे यूज करेंगे वी, हैड वी। अब यहाँ पे देखिए कहीं भी नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है तो हम नॉट को यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जो काम हो रहा है यहाँ पे तोड़ना। तो तोड़ने की इंग्लिश दो होती है, एक ब्रिक होता है और एक प्लक होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई ऐसी चीज़ तोड़े जिसमें से आवाज़ आती हो तो उसके लिए हम ब्रिक का यूज करेंगे, और ऐसा कोई चीज़ तोड़े जिसमें से तोड़ने के बाद आवाज़ बहुत ही ना के बराबर आती हो तो वहाँ पे हम प्लक का यूज करेंगे। तो फूल तोड़ने पर कोई भी आवाज़ नहीं आती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लग्ड। हैड वी प्लग्ड, क्या तोड़ा है, फ्लावर इन द गार्डन, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हैड वी प्लग्ड फ्लावर इन द गार्डन, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का पहला एग्जाम्पल। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्यों वह अपने पिता के साथ दफ्तर नहीं जा चुका था। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, कि है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड भी है और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड भी है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हैड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड
सब्जेक्ट जो यहाँ पे हुआ है तो यहाँ वह के लिए हम यूज करेंगे ही, हैड ही। निगेटिव सेंटेंस है तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको नॉट को यूज कर देना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट, हैड ही नॉट। जो काम हो रहा है यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो गो मीन्स जाना, और गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है गॉन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गॉन। कहाँ पे जाया जा रहा है? गॉन ऑफिस जाया जा रहा है, गॉन टू ऑफिस, गॉन टू ऑफिस। किसके साथ जा रहा है? अपने पिता के साथ, विथ हिज फादर। विथ मतलब साथ होता है, हिज मतलब अपने, और फादर मींस होता है पिता। हैड ही नॉट गॉन टू ऑफिस विथ हिज फादर। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट सेकेंड। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को में भी शेयर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए आप देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल है, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इसमें जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, और जब भी क्वेश्चन वर्ड हमारे वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट को यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नॉट को यूज नहीं करेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। चलिए अब एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल जैसा कि लिखा गया है, अध्यापक क्या श्याम को अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, अध्यापक क्या श्याम को अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या, तो हम सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट। व्हाट मींस होता है क्या, तो व्हाट के बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है, हैड। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो टीचर कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टीचर, टीचर हो गया। अब यहाँ पे जो काम किया जा रहा है वो काम किया जा रहा है, पढ़ाने का काम किया जा रहा है, टीचर पढ़ाने का काम किया जा रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो पढ़ाने की इंग्लिश होती है वो टीच होता है, तो टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो टॉट होता है, टी ए यू जी एच टी, टॉट मीन्स पढ़ाना या सिखाना भी हम यूज कर सकते हैं। व्हाट हैड टीचर टॉट, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, किसको पढ़ा रहे हैं, ऑफ श्याम, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। व्हाट हैड टीचर टॉट इंग्लिश ऑफ श्याम, अध्यापक क्या श्याम को अंग्रेजी पढ़ा चुकी हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। अगर दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं पर आपको नहीं समझ में आता है, तो वीडियो को पुश करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा और बहुत अच्छी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्स को याद करिए। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या को पूरी तरीके से समाधान करूँगा। तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है, शेर कैसे जंगल में दहाड़ नहीं चुका था। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखना है जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है कैसे। तो दोस्तों क्या होता है कि कैसे की जो इंग्लिश होती है वो था हाउ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड हाउ। हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हैड, हाउ हैड, हाउ हैड हो गया। अब आप देख रहे हैं सबके उसके बाद सब्जेक्ट, तो जहाँ पे जो काम हो रहा है वो दहाड़ने का हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, शेर कर रहा है, तो लायन कर रहा है, तो हैड लायन। नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप देख रहे हैं नॉट का यूज करना है, हाउ हैड लायन नॉट। वर्ब थर्ड फॉर्म, रोर मीन्स दहाड़ना, रोर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रोरेड, आर ओ ए आर ई डी, रोरेड। कहाँ पे दहाड़ रहा है, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क।
तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट सेकेंड का दूसरा एग्जाम्पल। अगर दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा पास्ट परफेक्ट टेंस की सेकेंड पार्ट, कम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।